बचपन में टीवी पे देखा था, आज हकीकत बनते देख रहे हैं। उस डर को मिटाने के लिए आए हैं जिस डर को देखकर लोग कांपने लगते हैं। तो चलिए इस सफर पे। पटाया से कुछ 2 घंटे का ट्रैवल करके हम लोग ये जगह पे पहुंचे। यार इसका नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या था इसका नाम? नाम तो मुझे भी क्लिक नहीं होता, पर इसका नाम है श्रीराजा जू, ऐसे है ना? हाँ, अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद आपको एक गाइड असाइन होगा। गाइडेंस भी हो सकती है। सो उसके बाद आप इस रास्ते से होकर गाइड के साथ, गाइड आपको लेके जाएगा और आगे जाके लेके जाएगी। हमको लेके जा रही थी। सो यहाँ पे अगर आते ही आपको स्टार्टिंग में प्यारे प्यारे किटन्स मिलेंगे। अरे शेर के बच्चे कितने प्यारे थे, मेरे को तो मतलब मन ही कर रहा था कि उठा लूँ। हाँ यार, मतलब मेरा भी बहुत मन था, बट मैं कहीं और चला गया उस टाइम पे। 400 रुपये में अभी उससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? 400 रुपये में मुझे मतलब बहुत मज़ा आ गया यार। छोटे बच्चे थे लेकिन मस्त, एकदम चबा रहे थे मुझे मेरे हाथ को, और भाई साहब मेरे फ़ोटो खींच रहे थे, तो मज़ा आ गया यार। 400 रुपये में इतने प्यारे फोटो बहुत सही है। तो उसके बाद दिखे हमें एक मोहतरमा, बिच्छू वाली मोहतरमा। हमारा ध्यान ही नहीं था भाई उसकी तरफ, वो अजीब सी खड़ी हुई थी वहां पे, हमने किसी ने देखा ही नहीं। तो इसके बाद नोड़ा हमें लेके गई शेर के पास। एक्चुअली ये शेर नहीं था, ये लाइगर था। लाइगर बेसिकली टाइगर और लायन के क्रॉस ब्रीड को लाइगर कहते हैं, मुझे अभी मालूम पड़ा। मुझे एक्चुअली इसके साथ घूमना था लेकिन मेरे हाथ में टाइगर थमा दिया। बड़ा टाइगर, बहुत बड़ा टाइगर। ऐसा लगा था मनी ही नहीं, शेर मनी को वो मुझे ही चला रहा था एक्चुअली में, क्योंकि यार इतना बड़ा सा एक जायंट टाइगर तुमको लेके घूम रहा है, आपके हाथ में है, आजू बाजू में कोई नहीं है, और एक स्माइल देना पड़ता है आपको। हाँ, वो एक फेक सा स्माइल आप देख सकते हो, अंदर से बहुत फटी हुई थी लिटरली। यहाँ पे तो वो मेरे को बोल रहा है कि भाई मालिश करो, मेरे को लग रहा था थोड़ा गलत से मालिश कर दिया, वो मेरा मालिश करना शुरू कर देगा। और बाद में मुझे पता चला ये मेरे को लेटने बोल रहा था यार, थोड़ा लेटने के चक्कर में मेरे को लग रहा था ये मेरे को लेटाना दे। नहीं है, बोल बोल के थक गया था यार, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। देखकर तो ऐसा लग रहा शेर भी इंटरेस्टेड नहीं था। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। I am okay.
आप लोग श्रीचा टाइगर जू के नाम पर मत जाना, क्योंकि यहाँ पर टाइगर ही नहीं, यहाँ पे और भी एनिमल मिलते हैं। हम जैसे ही वहाँ से बाहर निकले, हमको गजराज जी ने एक अनोखे ही तरीके से हमारा स्वागत किया। हाँ, देखने मजा आ गया यार। हाँ, उसके बाद हम वहाँ से निकले एलिफेंट सफारी पे। यहाँ पर एलिफेंट सफारी भी होता है, प्यारा सा एक माहौल था, जंगल सफारी होता है, वैसे ही था यार। बचपन याद आ जाता है, बचपन में वो हाथी के ऊपर घूमना और वो सब कुछ। लेके आना चाहिए था यार। एक्चुअली उसने बोला था साथ में पिक्चर लेने के लिए नहीं लेके जा सकते करके, समझा? और वो बंदी ने मेरे को बोली थी यार कि वहाँ से पिक्चर लेना होगा तो तेरे को पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स फ्री। मुझे ऐसा लगा था कि हम अपना कैमरा नहीं लेके जा सकते हैं, तो हम कैमरा अपने होटल पे ही छोड़ के गए थे। बट आप यहाँ पर लेके जा सकते हो अगर आपके पास कैमरा है तो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाय, say hi to him. Yeah, okay, yeah, see you. Thank you, thank you. Hello, khataron ke khiladi. किच किच, ये स्टंटमैन। सारे शो देखने के बाद राज भाई हमको एक अनोखा ही शो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो तो भाई मतलब हाथी के साथ कंपटीशन में लगे हुए हैं। राज भाई अपने फुगाने में लगे हुए हैं, हाथी सर अपने फुगाने में लगे हुए हैं। दोनों में कौन जीतने वाला किसी को नहीं पता था। हाथी भाई ने मारी बाजी। हाँ, और राज भाई अपने फुगाते रह गए। ऐसा शो तो मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा। और ऐसे शो के बाद ट्रीट तो बनता है यार, जरूर। हाथी के साथ बचपन से ही एक अफेक्शन सा है, तो देखते ही दिल बड़ा खुश हो जाता है, दिल बड़ा शांत हो जाता है। How is the show? Good. Anything you like it? Everything. Oh yeah. How is your show? Ah! Yeah, yeah. तो इन प्यारे जानवरों के मेमोरीज के साथ हम निकल पड़े नए सफर पे, कुछ नई यादें और कुछ नए लोगों से मिलने के लिए।